हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जीओसी के 7th लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने जो सारी बातें डिस्कस करी थी उसमें हमारे काफ़ी पॉइंट्स हमने देखे थे, और अभी जो पॉइंट्स हैं वो सारे एसिडिक स्ट्रेंथ पे थे। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ की। एक्चुअल में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपने एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बेसिक सिंपली समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बेसिसिटी होती क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ से मतलब क्या है। बेसिक स्ट्रेंथ मीन्स एबिलिटी टू डोनेट OH माइनस आयन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ H प्लस। मतलब जो OH माइनस डोनेट करे, बचपन से अपन पढ़ते आए हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बनाए, H प्लस के साथ। क्लियर, इसके बारे में जानकारी है। प्लस R प्लस H प्लस R जो इलेक्ट्रॉन देंगे, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर एटम, सो लॉन पेयर डोनेशन एबिलिटी इंक्रीजेस। कहने का मतलब यह है कि जो लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि प्लस आर प्लस एच और प्लस आई, ये लोग बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। कैसे, देखिए, सपोज ये कोई आदमी है बी, इस पर ऐसे लोग जुड़ गए जो इसको इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास इलेक्ट्रॉन इनफ है देने के लिए, तो इसी को बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। जो ठीक है, कहने का मतलब है जो ज़्यादा डोनर होगा वो मोर बेसिक होगा। कैसे समझते हैं, देखिए, बी माइनस था, इसने एच प्लस लिया, बी एच बना, के बी, इसका अगर के बी कैलकुलेट करेंगे तो बी एच, ये सब आपके केमिकल इक्विलिब्रियम की कहानी है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिसिटी अगर बढ़ानी है तो प्लस आई ग्रुप जोड़ो। क्लियर, तो देखो इधर क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन, ये जाना पहचाना क्वेश्चन है, हमें इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ का एक तरीका तो ये है, इधर 2p ऑर्बिटल है, इधर 3p ऑर्बिटल, इधर 4p, इधर 5p। क्लियर, तो अब क्या है, 2p मतलब एक छोटा सा रूम है, 3p मतलब थोड़ा बड़ा रूम है, 4p मतलब और बड़ा रूम है, 5p मतलब और बड़ा रूम है। क्लियर, हमें यह पता है कि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। तो देखो बच्चों, वही स्टोर रूम ड्राइंग रूम वाला कॉन्सेप्ट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन आसानी से दे पाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होगी। तो सबसे आसानी से बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस घर में। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, इस घर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। क्लियर, तो अब हम देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा भारी है। क्लियर, अपन एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इनके कॉन्जुकेट एसिड बनाओ। जाना पहचाना कॉन्सेप्ट था, याद है, HF, HCl, HBr, HI। इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है बच्चों, इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक है HI। तो बेसिक स्ट्रेंथ में रिवर्स कर दो, आई बात समझ में, एसिड इतना स्ट्रांग तो कॉन्जुकेट बेस उतना ही वीक। क्लियर, हमें इस ट्रिक को याद रखना है। क्लियर, एक इसके भी साथ एक जाना पहचाना सवाल और करवा देता हूँ आपको। आपसे ये पूछा RO माइनस और RS माइनस में से कौन सा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है, तो हमने तो एक ही चीज़ पढ़ी है, इनका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, वो होगा आपका ROH और RSH। इनमें से बेटर एसिड कौन है, SH, तो बेस कौन हो जाएगा, ये आई कहानी समझ में, इसको आप रिवर्ट कर दो।
ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्लियर? इसके बाद अगर अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसको अपन कॉन्जुगेट वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। बच्चों कॉन्जुगेट आयन बनाना है, इसका बनेगा CH4, इसका बनेगा NH3, कॉन्जुगेट एसिड है ना, इसका बनेगा आपका पानी, इसका बनेगा आपका HF, क्लियर? तो इनमें से एसिडिक ऑर्डर है ये तो पता है, इसका तो नाम ही एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, H2O और अमोनिया, अमोनिया तो बेसिक होता है बच्चों। तो इनमें एसिडिटी ऑर्डर अगर अपन देखेंगे तो ये आएगा, और ये कौन सा ऑर्डर है बच्चों? एसिडिटी। और एसिडिटी का ऑर्डर अगर आपने निकाल लिया तो बेसिसिटी में क्या है उसका वाइस वर्सा करना है, क्लियर? तो ये तरीका बेटर होता है। अगला सवाल, ये आपका एनिलीन ग्रुप है, एनिलीन मतलब यहाँ पे लोन पेयर भरा पड़ा है, कहाँ है लोन पेयर? ये रहा लोन पेयर, ये रहा, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करना चाहता है। तो अब ये डोनेट कब करेगा? एक यहाँ पे अगर आपने देखो, ये NH2 है, हमने क्या किया, एक ऐसा ग्रुप दिया जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर के पास पावर बढ़ेगी, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने ही अच्छे से डोनेट कर पाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, क्लियर? वहीं अगर आपने इस पर ऐसा आदमी डाल दिया जो इसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है EWG, तो वो क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, क्लियर? यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई? सवाल लेते हैं, इसमें तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3, CD3, CT3, ये कहाँ पे जुड़े हुए हैं बच्चों? मेटा पे। यहाँ पे इसका मतलब केवल एक ही प्रकार का इफेक्ट लगेगा, उसको बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव का ऑर्डर हमने पढ़ा था CH3, CD3 और CT3 में किसका ज़्यादा होता है। इंडक्टिव की मैं बात करूँ बच्चों, अगर आपको याद दिला दूँ तो CT3 ग्रेटर देन CD3 ग्रेटर देन CH3, क्लियर? तो इसमें सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करेगा बच्चों? इसमें सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा बस CT3, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक भी यही होगा, तो इसमें बेसिसिटी ऑर्डर सिंपली आपका ये हो जाएगा, क्लियर? अगला सवाल में कहानी थोड़ी बदल गई, अगला स्टोरी कहाँ पे आ गई, अगली स्टोरी आ गई पैरा पर। तो यहाँ पे आंसर किसके बेसिस पे आएगा बोलिए? यहाँ पे जो आंसर है बच्चों वो आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन पे। किस पर आएगा बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन पे, क्लियर? तो हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर, क्लियर? पेन की सेटिंग थोड़ी सही कर लूँगा। ये हाइपर पे होगा तो बच्चों हमने अभी तक ये पढ़ा है, ये CH3 है, ये CD3 है, CT3 है, जो हाइड्रोजन जितना आसानी से पार्टिसिपेट करेगा, हाइपर का ऑर्डर क्या होता था बच्चों? CH3, CD3, उसके बाद CT3, क्लियर? तो सबसे अच्छा डोनेशन कौन करेगा? CH3, तो सबसे ज़्यादा बेसिक भी कौन होगा? CH3 वाला, क्लियर? आई कहानी समझ में? आई कहानी समझ में आपको? यहाँ तक आई होगी उम्मीद करता हूँ।
तो इसमें ऑर्डर हो जाएगा आपका, इनको अगर 1 2 3 नाम दे दें अपन, तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, क्लियर क्लियर है। आगे बात करते हैं, NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, ये भी डोनेट करना चाहता है, ये भी डोनेट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे एक राक्षस जुड़ गया है, ये राक्षस इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा, ये साइनाइड भी छोटा राक्षस है तो ये भी खींचेगा, लेकिन ये डोनेट करेगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा आपका इसमें से, 1 2 3 अगर नाम दूँ मैं, ये 3 2 और 1, ये तो कौन है आपका राक्षस, कौन है राक्षस, क्लियर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। अब एक थोड़ी स्टोरी चेंज, ये देखिए, पहले तो यहाँ पे आपको डिटेल शेयर करता हूँ, ये कंपाउंड जो है, ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे या एंटी एरोमेटिक होंगे। तो मैं बच्चों सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, इसकी, इसमें पहली कंडीशन मेरी साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो आप, sp2 ही आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर है, तीसरा कॉन्जुगेशन बिल्कुल है, लोन पेयर, ये आई बात समझ। अंदर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बच्चों, 2 4, और ये लोन पेयर अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अंदर घूम रहे हैं 6 pi, क्लियर। ये लोन पेयर जो है अंदर चक्कर काटता रहेगा, यहाँ मिलेगा नहीं, तो ये कैसा है बच्चों, एरोमेटिक, Q2 6 pi इलेक्ट्रॉन। आपको कहानी समझ में आई, 6 pi इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर की वजह से ये एरोमेटिक है, तो लोन पेयर इसलिए मैंने अंदर शो किया है। इधर देखो कहानी, कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 3 pi बॉन्ड, मतलब 6 pi इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब लोन पेयर फ्री पड़ा है, लोन पेयर अगर फ्री है तो बेसिक कौन होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो अगर ये डोनेट करना चाहेगा तो इसको कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो इसका लोन पेयर फ्री है, और फ्री वाले को बोलते हैं लोकेलाइज्ड लोन पेयर, और इसको बोलेंगे डीलोकेलाइज्ड, क्लियर। तो जिसको बेसिक जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा वो किस पे अप्रोच करेगा, कंपाउंड 1 पे या कंपाउंड 2 पे, मेरे हिसाब से जिसके पास होंगे उसी के पास अप्रोच करेंगे। इधर मैं आया, मेरे को लोन पेयर मिला, इधर मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो तो अंदर घूम रहा है, क्लियर। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, 2 is more basic than 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, वापस वही सवाल, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, इसके पास तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसका लोन पे फ्री पड़ा है, इसका लोन पे इधर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, रेजोनेंस, अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो लोन पेयर मिलेगा नहीं, तो लोन पेयर कैसा है बच्चों, यहाँ पे डीलोकेलाइज, कैसा है डीलोकेलाइज, आई कहानी समझ में, डीलोकेलाइज है, इसका मतलब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा, 1 is more basic than 2, ये ऐसा कैसा हो गया, थोड़ा सही करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 is more basic than 2,
टू। आई बात समझ में? क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं, ग्वानिडीन का केस लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन्स एंड आईआईटी। ग्वानिडीन बच्चों ऐसा फोटो होता है, इसको खुली आंखों से देख लो, ऐसा आपको जहां भी दिखे एनएच वो ग्वानिडीन केस है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ग्वानिडीन केस में सिंपली जो स्टोरी है वो आपको समझनी होगी। वो स्टोरी ये कहती है कि भैया डबल बॉन्ड है और ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये थोड़ा कम बेसिक दिख रहा है, इसकी अपीयरेंस थोड़ी ख़राब है। डबल बॉन्ड यूजुअली अपन मानते हैं कि यार ये क्या बेसिक होगा, लेकिन ये एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं ग्वानिडीन। ग्वानिडीन में क्या होता है बच्चों, ग्वानिडीन वाले केस में हमारा जो कंपाउंड होता है वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट से स्टेबल होता है। अब वो कैसे, देखो ये लोन पेयर इधर जा रहा है और ये भाई साहब भी अंदर जा रहे हैं, तो ये दोनों किस श्रेणी में आएंगे बच्चों, ये दोनों आएंगे डीलोकलाइज श्रेणी में, लेकिन इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपका है, ये वाला जो लोन पेयर है आपका, वो आएगा लोकलाइज श्रेणी में, मतलब फ्री पड़ा है। और इसको दे कौन रहे, तो यहाँ पे जब H+ आया, H+ को किसने ट्रैप किया, इसने। तो ये कंपाउंड बना। अब ये कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा बेसिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन क्या लगा, दो नाइट्रोजन अपना प्लस M लगा रहे हैं, प्लस M मतलब प्लस R, या प्लस R भी बोलते हैं इसको, ओके। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर भर के आ गए, इलेक्ट्रॉन भर भर के आ गए तो भर भर के मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक। ये लाइनें आपको याद रखनी, ग्वानिडीन इज वेरी बेसिक बिकॉज टू नाइट्रोजन विल गिव प्लस आर, सो इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कैटाइन मोर स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल आएगा, सो थोड़ा सही कर देते हैं, मोर स्टेबल बिकॉज इसकी थ्री इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगी। कितनी बनेगी, थ्री इक्विवेलेंट, तो रिएक्शन हमेशा किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। तो H+ भगवा के H+ लेगा ये, क्लियर। तो हमें ये ध्यान रखना है बच्चों कि इसका H+ लेने की जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, क्लियर। इसके कुछ सवाल ले लेते हैं अपन, देखो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये जो चीज़ है एक्स्ट्रा इसको उड़ा दो। ये सवाल आ गया, तीनों में लोन पे दिख रहा है तो तीनों कंपाउंड बेसिक तो है। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि प्लस एम कितने लोग इसको प्रभावित कर रहे हैं। बच्चों इधर देखो, ये है, ये एक जना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे ये दोनों जने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे केवल प्लस आई लग रहा है इसका, आई बात समझ में, यहाँ क्या लग रहा है प्लस एम, यहाँ क्या लग रहा है बच्चों प्लस एम, यहाँ पर एक प्लस एम, तो यहाँ पे टू इक्विवेलेंट आरएच स्ट्रक्चर बनेगी। देखिए यहाँ पे कितनी आरएच स्ट्रक्चर बनेगी, टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे रेजोनेंस तो है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा मेरा, इसको मैं नंबरिंग दे दूँ, वन
और थ्री, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा बच्चों मेरा, टू, इसके बाद कौन होगा वन, इसके बाद थ्री। क्लियर, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं, ये एक सवाल दिया हुआ, देखो इस सवाल में आपको ये बताना है कि ये इतने सारे नाइट्रोजन दिए हुए हैं, इसमें से जो ब्लू कलर का जो लिखा हुआ है ये वन मार्किंग है, वन ये टू और ये थ्री। हमें ये बताना है बच्चों इन तीनों नाइट्रोजन में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, इनकी तो आप तुलना ही नहीं कर रहे हो अभी, है ना बच्चों। ये देखो ये वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इधर जा रहा होगा और फिर ये इधर आ रहा होगा, हाँ या ना, क्लियर। तो यहाँ पे डीलोकलाइज है विथ वन पाई बॉन्ड, जबकि इसको देखो ये इधर आ रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो वन आपका है फ्री, कहीं नहीं जा रहा। सेकंड में हो क्या हो रहा है, लेस रेजोनेंस। और थर्ड में क्या हो रहा है बच्चों, मोर रेजोनेंस या मोर डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमें क्या पता लगेगा बेसिक कौन है, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे पहले मैं गया तीसरे के पास, लेकिन ये तो यहाँ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये घूम के जब वापस आएगा तो मेरे को यहाँ पे 20 मिनट वेट करना पड़ा सपोज, ठीक है। ये 20 मिनट में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मेरे को, यहाँ गया मैं, ये भी घूमने गया हुआ है, यहाँ पे मेरे को 10 मिनट वेट करना पड़ा वापस आए जब तक, जबकि मैं यहाँ आया तो हाथों हाथ मिल गया। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ, वन उसके बाद टू उसके बाद थ्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हो गई होगी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक केस देखते हैं। ये जो कंपाउंड दिया है इसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। बेसिक स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, जब कोई डोनेट करने वाला होगा। एक चीज़ आपको जानकारी दे देता हूँ, ये लोग कहाँ पे हैं, मेटा पर। कहाँ पर हैं बच्चों, मेटा पर। तो आंसर किसके हिसाब से आएगा, ओनली इंडक्टिव। किस बेसिस पे आएगा आंसर, ओनली इंडक्टिव के बेसिस पे आएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इंडक्टिव से ही आंसर निकलेगा। तो इंडक्टिविटी का ऑर्डर CF3 का सबसे ज़्यादा होगा खींचने में, है ना, माइनस आई का ऑर्डर। CF3 का बिहेवियर कैसा है बच्चों, माइनस आई का। और CT3 का माइनस आई सबसे ज़्यादा, सॉरी प्लस आई सबसे ज़्यादा, उसके बाद आएगा बच्चों CD3 और उसके बाद आएगा CH3। इसका रीज़न मैंने आपको बताया था, क्लियर। अब बेसिक कौन कब क्या होगा हम कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड भर भर के होगा तो ही तो डोनेट करेगा, क्लियर। तो यहाँ CH3 भी डोनेट कर रहा है अपना, CD3 भी कर रहा है, CD3 सबसे अच्छा डोनर कौन है, और ये तो खींच रहा है, इसको तो हटाओ। तो सबसे अच्छा कौन है, वो है आपका थ्री, नंबर थ्री। उसके बाद आएगा नंबर टू, उसके बाद आएगा नंबर वन, और सबसे ख़राब बेस कौन हुआ, नंबर चार। क्यों, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है बच्चों, ईडब्ल्यूजी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, क्लियर। एक इजी सवाल और लेते हैं अपन, इसको पहले थोड़ा नीचे शिफ्ट करते हैं, थोड़ा इधर ले आते हैं इसको। अब नेचर, ये तीनों मेटा पे जुड़े हुए हैं, सेम ऊपर वाला सवाल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ओनली
कौन सा इफेक्ट हमारा इफेक्ट लगेगा? इंडक्टिव। ओके, इंडक्टिव का ऑर्डर क्या होता है? ये ऊपर लिखा है ऑर्डर, यही ऑर्डर यहाँ काम आएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज़्यादा कौन दोगा? ये, फिर ये, फिर ये। ओके, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी बच्चों, तो मैं अगर ए बी सी नाम दूँ तो कौन हो जाएगा सबसे अच्छा बेस? सी, उसके बाद हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा ए। क्लियर, सिंपल कहानी है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे अपन। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल ये कहानी थी। इन्होंने बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाया तो यहाँ एक चीज़ जानकारी लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे एक जानकारी लिख लेते हैं, प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट है? ओके, एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आपको मैं बताता हूँ एसिडिटी का। इसमें हम कुछ चीज़ें याद रखेंगे बच्चों। देखिए, इसमें सबसे पहले आता है CH4, यानी कि एल्केन एल्कीन। तो हमने ये तो पढ़ा है एल्केन एल्कीन एल्काइन में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? वो होता है बच्चों, ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, वो होता है सबसे ख़राब एल्केन, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद अमोनिया। और एल्काइन में से अब जो ज़्यादा एसिडिक होता है वो एल्काइन। कैसे? ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण, sp होने के कारण 50% s कैरेक्टर है इस, और ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। क्लियर, इनके बाद नंबर आता है बच्चों एल्कोहल का। एक सवाल आता है बहुत ज़्यादा, एल्कोहल और हाइड्रोजन H2O में से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है बच्चों? तो इन जनरल अगर अपन सारे एल्कोहल्स की बात करें तो सारे एल्कोहल्स से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? पानी। ये pKa वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है मीथेनॉल वाला, वो हम एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्लियर, इनकी दोनों की कहानी ख़त्म होने के बाद अगला जो नंबर आता है बच्चों वो आता है फिनॉलिक ग्रुप का। जो फिनॉल होता है बच्चों वो एल्कोहल से और वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। आई बात समझ में? इसका pKa अराउंड 10 होता है। अब बात करते हैं, देखिए इधर, अब आपका रिविज़न टॉपिक आ गया लगभग। ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद ऑर्थो, ये ऑर्डर हमने पढ़ा था बच्चों। क्लियर, उसके बाद आपका आएगा H2CO3, ये दो बार आ गया H2CO3, यहाँ से हटा देता हूँ। तो जो H2CO3 है वो इसको पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक होता है। अब जितने इस पे NO2 ग्रुप जुड़ेंगे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही दो बढ़े तो ये एसिडिक ज़्यादा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और पिक्रिक एसिड, इसका नाम है क्या होता है बच्चों? पिक्रिक एसिड, जो अपन आगे पढ़ेंगे। पिक्रिक एसिड में क्या होता है, 3 NO2 ग्रुप हो जाए तो इसकी एसिडिटी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट ये सल्फोनिक एसिड के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है? सल्फोनिक एसिड के इक्वल। क्लियर, सल्फोनिक एसिड के ये इक्वल हो जाता है। अब बात करते हैं HNO3 और H2SO4 में। तो HNO3 और H2SO4 में, इसको तो ये क्या होता है, एसिडों का राजा। HNO3 और H2SO4 में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? H2SO4। इसको हमें याद रखना है स्क्वेरिक एसिड को। क्लियर, उसके बाद HI और HCl। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है बच्चों, इसका रीजन वीजन हम आपको आगे समझाते रहेंगे। क्लियर, अब एक केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रूल आता है जिसको बोलते हैं ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स क्या कहते हैं? ब्रेड्स ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स कार्बोकेटाइन एंड डबल बॉन्ड एट ब्रिज हेड पोजिशन एग्जिस्ट आफ्टर 7 मेंबर। कहने का मतलब है, अगर आपको ऐसा फोटो दिखे, ये, तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों? जैसे ये 7 मेंबर रिंग है, ये 7 मेंबर रिंग में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रहता है। तो इसमें क्या होगा कि ये फ्लेक्सिबल होना चाहता है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के कारण ये एक तरह से स्ट्रेस में रहता है। तो जैसे ही ये पोजीशन आप बनाओगे, मॉलिक्यूल खुल जाएगा, ये यहाँ से बॉन्ड खुल जाएंगे। क्लियर,
तो ये कैसे खुल जाएंगे, क्लियर? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। माफ कीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये स्ट्रक्चर आपको कहीं भी केमिस्ट्री में देखने मिले तो इनको लिखना डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा है जानकारी। ब्रिज हेड कार्बन इज पिरामिडल, ये जो होता है पिरामिडल शेप में है, ये देखिए इधर। सो इट कैन नॉट अक्वायर प्लेनर ओरिएंटेशन, हम अगर चाहें इसको प्लेनर बनाना तो प्लेनर नहीं बना सकते। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन स्मॉलर बाईसाइक्लो रिंग, इसके लिए आपको बड़ी बड़ी रिंग बनानी पड़ेगी, क्लियर? अगर हमें इसको जिंदा देखना है आपको, क्लियर, तो इसको जिंदा देखने के लिए आपको ऐसी रिंग बनानी पड़ेगी। देखो ये प्लस चार्ज है, ये इतने कार्बन है ना बच्चों, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी छोटा मोटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। विथ इंक्रीज इन रिंग साइज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिंग इंक्रीजेज एंड कैन एक्वायर प्लेनर ओरिएंटेशन और ट्रांस ओरिएंटेशन और डबल बॉन्ड एट ब्रिज हेड पोजिशन। 7 मेंबर के बाद ही एग्जिस्ट करेगा, इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर? कहने का मतलब है ब्रेस्ट ने ये बोला कि ये जो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हैं अपने, ये आफ्टर 7 मेंबर के बाद ही इनमें प्लस चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्लियर? क्लियर। इसमें अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, हमसे ये पूछा गया है कि इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है, क्लियर? अब आप बताओ बच्चों, ये लोन पेयर जो है फ्री है, इधर पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये लोन पेयर अगर पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड। जो इसको पसंद है क्या 7 मेंबर को, नहीं है तो इसको पसंद नहीं है तो ये कट जाएगा यहाँ से, और ये आपका फ्री है क्योंकि ये तो हिलेगा ही नहीं यहाँ से, और ये डीलोकलाइज है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ये डीलोकलाइज और ये लोकलाइज, क्लियर? आई बात समझ में? और इसके बारे में, साइक्लो एल्केन ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिस ओरिएंटेशन बट इन ट्रांस ओरिएंटेशन दे एग्जिस्ट आफ्टर 7 मेंबर रिंग। साइक्लो एल्केन जो होता है, जैसे नॉर्मली साइक्लो एल्केन होता है अपन आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, वो हमेशा सिस ओरिएंटेशन में रहता है 7 कार्बन तक, 7 मेंबर तक। उसके बाद क्या होता है बच्चों के उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो वो ट्रांस ओरिएंटेशन भी 11 मेंबर के बाद, सॉरी, ट्रांस ओरिएंटेशन इज स्टेबल देन सिस ओरिएंटेशन आफ्टर 11 मेंबर रिंग। 11 मेंबर के बाद जो कहानी आती है स्टेबिलिटी की, वो किसकी आ जाती है बच्चों, ट्रांस की, क्योंकि वो वहाँ पे क्या करता है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है और रिपल्सन को मिनिमाइज करता है, क्लियर? तो ये जो 8 मेंबर रिंग है बच्चों, ये दो शेप अपना सकती है, इसमें ये इसका टब शेप है और ये इसका चेयर फॉर्म है। कौन सा है बच्चों, चेयर, क्लियर? तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्लियर? हमें ये बताना है कि ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, तो क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें इसमें 8 मेंबर है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्लियर? और ये एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, इसका नाम है टब। वैसे ये आपके ज़्यादा काम का नहीं है, इस पर जिस तरह के सवाल आएंगे वो हम देखेंगे कि किस तरह का क्या होता है। क्लियर, कुछ छोटी छोटी जानकारी है जो आपको देनी थी। एक चीज़ है जो बेसिसिटी ऑफ अमाइन,
उसको बोलते हैं बच्चों SIP इफेक्ट। SIP इफेक्ट ये मतलब ये लोन पेयर जो है यहाँ पे अभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, देखो ये रहा है, क्लियर। इसको समझने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन क्या है देखो, ये आपका कौन है एनिलीन और ये जिसके अंदर रिंग नहीं है वो कौन है आपका साइक्लोहेक्सेनामीन। आई बात समझ में? अगर साइक्लोहेक्सेनामीन है तो इसका लोन पेयर तो बच्चों यहाँ घूम रहा होगा अंदर मार्केट में, तो ये घूम रहा है और ये फ्री है, यानी कि ये लोकलाइज है और ये डीलोकलाइज है, तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा? तो इसमें आंसर क्या होगा बेसिसिटी का, 2 इज मोर बेसिक देन 1, क्लियर। इसको 1-2 नाम दे देते हैं। अब ऊपर क्या हो रहा है बच्चों, ये इधर पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लियर, और यहाँ पे दो ग्रुप आ गए वो इसको घुमा देते हैं। ऐसा आपने घुमाने वाला कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ा होगा, याद है? बोलिए। तो इसमें ही क्या होता है, SIP होता है, SIP यानी कि स्टेरिक इनहेबिटेंस प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे अपन वाटर मीडियम में बात कर रहे हैं तो ये घूम जाता था। इन शॉर्ट हमें ये याद रखना कि SIP होने से ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर अवेलेबल हो जाएगा, क्लियर। इसमें आपको ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये SIP के थ्रू अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर, या SIR के थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ को ये क्या कर देगा आपकी, बढ़ा देगा, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ आपको, जनरल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें आपको कुछ जानकारी भी दूंगा मैं, इसमें आपको जानकारी क्या देनी है, वो जानकारी ये है कि आप बताओ ये वाला एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा दुनिया में, ये इसमें बच्चों कितने मेंबर रिंग है, इसमें कितने मेंबर रिंग है, 1, 2, 3, 4। जब मैंने आपको बोला था कि 7 मेंबर को भी पसीने आ जाते हैं तो ये तो करेगा ही नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे हमें एक बात लिखनी है, साथ ही साथ लिखते जाना है, इसमें अपन लिखेंगे ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसके बाद ये फिनाइल कैटायन है, इसमें क्या होगा, -I इफेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड, क्लियर। ये तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा आपको, क्लियर। यहाँ पे ये विनाइल कैटायन है, कौन सा है बच्चों, विनाइल, ये भी बहुत कम स्टेबल होता है, लेकिन इसमें फिनाइल की तुलना में लेस -I है, तो ये थोड़ा चल जाएगा। इसके बाद अपन ने पढ़ाई था मिथाइल, क्लियर। इसके बाद आपका ये 2 डिग्री ले लीजिए, उसके बाद 3 डिग्री और अलाइल, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्लियर। कई कई बुक में अलग दिया है, लेकिन हमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें अपन तो अलाइल और ये ज़्यादा होते हैं, बेंजाइल इससे ज़्यादा होता है, क्लियर। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इनको मेमोरी में बसा लेना है, ठीक है। या रेजोनेंस हो की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, या ज़्यादा रेजोनेंस तो ज़्यादा स्टेबल, या ज़्यादा रेजोनेंस तो और ज़्यादा स्टेबल। ये आपको ट्राइंगल दिखे कहीं पे बच्चों, इसके लिए एक वर्ड होता है डांसिंग रेजोनेंस, क्या क्या बोलते हैं इसको, डांसिंग रेजोनेंस, क्लियर। तो कहाँ गया, डांसिंग रेजोनेंस में क्या होता है बच्चों, ये याद रखना है कि ये ट्राइंगल आपको दिखे सिंपली तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा,
ये स्टेबल किसकी वजह से बच्चों, एरोमेटिक की वजह से, ये इसमें एरोमेटिक की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, और इनसे ज़्यादा स्टेबल है ये डबल डांसिंग, फिर ये ट्रिपल डांसिंग, इसके बाद ये बैक बॉन्डिंग, और ये इन जनरल ये नहीं पूछा जाता है। एक हमें जो याद रखने हैं बच्चों वो ये वाले, क्लियर, और ये वाला ध्यान रखना है कि डांसिंग रेजोनेंस बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्लियर। अब जो नेक्स्ट टर्न होगा उसमें अपन क्वेश्चन लेंगे, उससे पहले हम मैं आपको बता दूं क्या शुरुआत करने वाले हैं, टॉटोमेरिज्म से। जीओसी का लगभग पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब हमें को क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्लियर। आपको बेसिसिटी का एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, सपोज ये क्वेश्चन आए आपके, ये NH2 है, ये है, और एक ये कंपाउंड है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, क्लियर। ये एक अमाइड ग्रुप आ गया, और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा था, यहाँ लोन पेयर तो बिल्कुल फ्री नहीं है, इन सब की तुलना में रेजोनेंस यहाँ घूम के वापस आ जाएगा, क्लियर, जबकि ये तो नॉन बेसिक होता है बिल्कुल। तो इसमें बेसिसिटी ऑर्डर हो जाएगा आपका 3, 2 और 1, क्लियर, यहाँ क्या आ जाएगा 3, 2 और 1, क्लियर। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जिनकी हमें लगातार प्रैक्टिस करते जाना है, ओके।